संतोषी माता की व्रत कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़ियों के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर 6 बड़े बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटे को अपने हाथ से खीर पूरी हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता। बुढ़िया दूसरे बेटे का बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम करने के लिए कहती हो, कितने मजे से दिन गुजर रहे, माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित में होकर कहती, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटे को खीर पूरी हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डू को टुकड़े को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। इसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करके लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशानी अपनी देखा हूँ मैं धीर, सुधी मती हमरी बिसरियो रखियो मन गंभीर। अपने पति के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने हाथ में रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। 7वां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई।
और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवसाय में आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोग बस कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दी थी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानी उससे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकले चोकर की रोटी खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसे अपना भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियां का गठरा जमीन पर रख वह कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्री को पूजा करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही है? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रहे हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति में भंडार भरता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें स्वयं वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतानों के घर में संतान होती है। पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश नष्ट होती है। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्त्री से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता के व्रत करने के गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना, कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में न जा सके तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता का मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को उस दिन कोई भी खट्टा चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता का पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान किया, फिर एक कलश में स्वच्छ व ताजा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता का विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता
के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी, मेरा पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वाले को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे, जेठानियां ताने देने लगी, अरे अब तो पति का पत्र आने लगा है, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगी, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के स्वकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवां बेटे दुकानदार इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर की कोई स्मरण नहीं था। दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे को इतनी व्यवस्था देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धानी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता मैं जाग नहीं रहा हूँ और सो भी नहीं रहा हूँ, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का कुछ भी स्मरण नहीं है? उसने कहा, हे माता मुझे अपने पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है, जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता का नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना, शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्र से स्वप्न की बात कही तो वे सब उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता का अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया लौटाने आने लगे, देखते ही देखते रुपये का ढेर हो गया। शाम तक सारा धन लौटाया, दुकान का सारा सामान हाथों हाथ बिक गया। अब संतोषी माता को नमस्कार करके वो अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियां का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गठरा उतारकर संतोषी माता के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा,
आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है, यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के तीन हिस्से कर, एक हिस्से नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियां का गठरा आंगन में डालकर कहना, सासू जी लकड़ियां का गठरा ले आई हूँ, चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियां का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके वह घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियां का गठरा जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटियां दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो, आज घर में कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ यह औरत कौन है। माँ ने कहा, बेटे यह तेरी बहू है, जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसा हाल बना रखा है और सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती है और घर का कोई काम नहीं करती है और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपनी कानों से सुनी है, मुझे बराबर वाले दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसी घर में रहूँगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, घर को महल जैसा सुंदर बना लिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ, संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए हैं, अब मैं व्रत का उद्यापन करनी चाहती हूँ। पति ने कहा, अभ्यास करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियाँ उसकी धन और संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानियाँ ने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना, वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चे को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगा। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगा। तब सभी बच्चे उससे पैसा मांगने लगे। बहू ने उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ जानती नहीं थी, उसके बच्चे को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चे को पैसे देने और उनके इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवां बेटे की दुकान पर पहुंच और उसे पकड़कर ले गए। भोली बहू रोने लगी, जेठानियां ताने देने लगी, अरे बेईमानी से कमाकर धन लाया था इसीलिए राजा के सैनिक पकड़कर ले गए, अब बंदी गिरी में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा धन भी छीन लेगा। साथ में बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हुई, आपने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है। संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी तूने उद्यापन में बच्चे को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है, उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट किया है। बहू रोते रोते बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी, अब मैं दोबारा उद्यापन करूँगी, अब कोई भूल नहीं करूँगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा
विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना कमाया था, उसका कर टैक्स नहीं दिया था, इसीलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़के को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानिया ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर पूरी हलवा खाने के लिए कहा तो वे बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता है, हमें तो खट्टी चीजें खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीज खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ, बच्चों नहीं माने तो। उसने उन बच्चे को भगाकर ब्राह्मण के बच्चे को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा में उन बच्चे को मीठे फल खाने के दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहुत शीघ्र ही गर्भवती हुई। दसवें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ ही दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन के सभी सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देख सारी मुंह सिकुड़ाने लगते थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़को, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगी। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर में ले आई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया के सास क्रोध में बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है, इनकी व्रत करने से मेरे घर में इतनी खुशियां छाई है। इतना सुनते ही उस बुढ़िया के पास दौड़ते हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, माँ हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत भूल की, हमें आपके व्रत की विधि नहीं जानते हैं। हे माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि भी बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सातवां बेटा का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा, धन संपत्ति के भंडार भरने लगा। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वाले को सभी मनोकामनाएं संतोषी माता पूरी करती है। व्यवसाय में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है और संतोषी माता का विधिवत करने वाले कुमारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर और स्वयंवर मिलता है। बोलो संतोषी माता की जय।